सिमरिया के सहतरा तालाब पर किया भूमाफिया ने कब्जा, आप पार्टी ने लगाया आरोप। सिमरिया विधानसभा के सहतरा तालाब पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। आप पार्टी ने प्रेस वार्ता करके भूमाफिया पर राजनीतिक जनप्रतिनिधि और शासन की मिलीभगत से कब्जा करने का आरोप लगाया। सहतरा तालाब की 18 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन राजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने कब्जा कर रखी है। आम आदमी पार्टी ने शासन से मांग की है तत्काल प्रभाव से इस अवैधानिक कब्जे को हटाया जाए, अन्यथा जनता ही इसका निर्णय करेगी। ये बात को लेके हम लोगों ने जिस दिन बन रहा था वहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी जानबूझकर उस दिन मौजूद नहीं था, न SDM साहब, न तहसीलदार, न वहाँ के TI। जो फ़ोन करने के बाद जब इस बात को प्रीति मैथिली जी से बताया गया तब जाकर उन्होंने इसको एक्शन लिया और बुलाया यहाँ रीवा में, जिसमें बात हुई। उसके बावजूद भी आज दिनांक तक वो काम रुका नहीं है, लगातार निर्माण हो रहा है। गाँव के लोग, क्योंकि सहतरा गाँव जो है वो पूरी तरह मुस्लिम बस्ती है और एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि मुसलमानों को पानी पीने के वहाँ पर अपना पूरा एक है, एक सांप्रदायिक कार्यक्रम भी हो सकता था अगर वो लोग स्वयं हाथ में लेते। इसलिए उन्होंने विश्वास जताया आम आदमी पार्टी में। फारूक भाई है, ये वहाँ से रहने वाले हैं, वहाँ के इन्होंने मामले को उठाया पूरी तरह से, इन्होंने पूरी RTI लगाई, हम लोगों ने जानकारी ली और सारे पुख्ता प्रमाण आप लोगों के पास हम लोग दे रहे हैं, जिसमें है कि कैसे उसने कितने 824 आरे खरीदने के बाद 1400 आरे के ऊपर में कब्जा करता है, वो भी तालाब के ऊपर में नहीं है कब्जा उनका, खरीदता जमीन कहीं बाजू में है लेकिन कब्जा तालाब के ऊपर हो रहा है। वहाँ पर बैठे हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष वहाँ पर जो शुक्ला जी हैं, वो उनके द्वारा भी उनको संरक्षण प्राप्त है, उनके पास 3 बार हम लोग जाके बता चुके हैं। और यदि हम ये कहने आए प्रेस वार्ता के माध्यम से, आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की एक टीम है सिमरिया विधानसभा के अंदर, इससे पहले भी गांव बैरन को लिया हो या बहुत सारे बिजली का मामले हो, ट्रांसफार्मर मामले हैं, बहुत सारे मामलों को लिया है। यदि ये, मैं अपनी तरफ से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि इसको जो है उन्होंने शीघ्र अति शीघ्र इस पर रोक नहीं लगाई तो समस्त क्षेत्र की जनता जो है उस दीवार को ढहाने का काम करेंगी और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ।